हाँ तुम्हें पता है वो गीगा माल देखा है? वो कितना ऊंचा है? वो गीगा माल की छत पे खड़ा हुआ था, एक बंदा भागता भागता आया, कहता रशीद भाई आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो जगह पे मर गया। ओहो आपका चाचा कहता ये क्या हुआ, मेरा एक एक बेटा मर गया, मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं खुदकुशी करूंगा। चढ़ा छत पे जंप मारी नीचे, दो मंजिल नीचे है, आके कहता है मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। थोड़ा सा और नीचे आया तो कहता है मेरी तो शादी ही नहीं हुई। जब नीचे गिरा धड़ाम तो कहता मेरा तो रशीद भी नहीं। बेवकूफ तुम्हारा बाबा भी इतना बेवकूफ है। पता है कल डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बड़ी खराब है, क्या करूं? उसने कहा बेटा कुछ नरम गिजा खाओ, दो सराने खा गए। अच्छा अच्छा विनय मुझे एक बात बताओ, तुमने कल से कुछ नहीं खाया? गलत बात है, बेटियाँ तो जो होती है ना वो रहमत होती है, रहमत का फरिश्ता होती है। मैं तो कहता हूँ खुद इंसान खाए ना खाए अपनी बेटी को दो वक्त की इज्जत से रोटी जरूर दे। तुमको परेशान होती हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, अपने हाथों से खिलाऊंगा। तुम मेरी बहन भी हो मेरी बेटी भी हो, परेशान ना होकर। अच्छा ये रहा सर, किधर तुम्हारा? कैसे सादा इंसान है ये, मुझे खिलाएंगे और बाबा से मेरी सिफारिश करेंगे। भैया मैं इधर हूँ। अच्छा इधर हूँ बेटे, इस जगह क्यों नहीं खड़ी होती, पूरे मोहल्ले में फिरती रहती हो। किधर जा रही हो? मैं फिक्र ना करो, जब तक मैं हूँ किसी को कोई परेशानी की जरूरत नहीं। देख तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ, जाके तुम्हें खिलाता हूँ। क्या खिलाने लगे? मैं भी लेके आता हूँ। अच्छा अल्लाह करे बाबा को उनकी बात समझ आ जाए।